सियासत में जब कदम रखा तो जो जो मसाइल का सामना फिर करना पड़ा तो फिर लग पता गया और आ मज़ा गया फिर महर। बिल्कुल। क्या हुआ? कुंदन बन गए। कुंदन कुंदन तो बने हैं, लेकिन जिस आग से गुजरे हो, अपने आग से मैं आपको बताऊं, जिस आग से गुजरी हो उस आग का बताओ, जिसको आपको बखूब आप वाकिफ हैं। बिल्कुल। कि जब भी एक औरत ना सिर्फ सियासत में, किसी भी पब्लिक लाइफ में किसी भी तरह आती है तो हम औरतों को किस तरह चुप कराते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि औरतें चुप रहें। गाली गलोच देते हैं, घटिया गुफ्तगू करते हैं। औरत को निशाना बनाना बहुत ही आसान होता है। मैं खुद इस कर्म से शर्मसार करने की कोशिश करते हैं। शर्मसार करने की तस्वीरें उठा के हर जगह लगाएंगे। अच्छा, तस्वीरें तो लगा ली, फोटोशॉप। अब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ हुआ, कौन भूल सकता है। फातिमा जिन्ना साहिबा उनके साथ हुआ। जिस जमात ने बीबी के साथ किया, उस जमात ने मेरे साथ भी किया थे, और उनकी क़ियादत एक खातून कर रही। आपकी जमात ने मरीम नवाज शरीफ के साथ भी किया, यही किया। बहुत तज़हीक आमेज़, हमेशा गलत ज़बान इस्तेमाल, बिल्कुल गलत, कभी नहीं करना। ट्रोलिंग की महर, बिल्कुल। डू यू कंडेम दैट? 100%। एक देखें, औरत होने के नाते ना हमें अक्रॉस द बोर्ड कंडेम करना होगा। जब ख्वाजा आसिफ पार्लियामान में खड़े होके शिरीन मज़ारी साहिबा को उन्होंने कुछ नाजेबा अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए, उनकी आदत तब भी गलत था। वो इस किस्म के इंसान है, इस कमाश के वो इंसान है, और इस पार्लियामान में और भी वो खास तौर पे औरत की तज़हीक करना बखूबी जानते हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे ये बात उठाती हूँ, क्योंकि आज भी ये हो रहा है पीटीआई के सोशल मीडिया। मैं आपको बताती हूँ एक बुनियादी फ़र्क। खान साहब हमारी जमात के लीडर हैं। उन्होंने, हालांकि मरीम साहिबा का ये हर तकरीर, जलसा, जुलूस खान साहब के नाम से शुरू होता है, एंड भी होता है, और ख़ान साहब ने एक मजाक किया। ठीक, लोगों को लगा इट वाज लेस्ड विद इनुएंडो। He shouldn't have done that, Meher. Yes, and I tweeted. He was the leader of my party. Yes, चेयरमैन है हमारे, वज़ीर आज़म थे। मैंने तब भी असूली मौक़िफ़ लिया, and I said कि it may have been funny but it's not right. ऐसे नहीं होना चाहिए था। मगर तो फिर तुम्हें क्या कीमत अदा करनी पड़ी? Nothing. He didn't take it up with you. Not at all. Your father didn't take it up. Not at all. वालिद साहब ने झिड़के नहीं दी? बिल्कुल भी नहीं। पार्टी से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया? नहीं। तुम्हारे शोहर एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से, कराची के पुराने सनतकार हैं, तो उन्होंने कैसे और एक चीज़, बिल्कुल नॉन सेट रवैया, एक बिल्कुल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट, वेरी प्रोफेशनल तो नहीं, लेकिन उसके अलावा वो कराची के रहने वाले, वो बाहर के पड़े हुए, वेरी डिफरेंट सेंसिबिलिटी, बहुत फ़र्क इस माहौल से। बिल्कुल। तो उन्होंने कैसे इस चीज़ को तस्लीम किया? तो देखने का ज़ाविया ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो और वो सियासत से दूर रहते हैं। उनका ख़ानदान, उनका जो एक ख़ानदानी मौक़िफ़ है, वो सियासत से बिल्कुल दूर रहते हैं। कैसे उन्होंने इस चीज़ को फिर माना? कि क्योंकि उस पे भी काम करना पड़ा था। काम करना पड़ा, लेकिन इन द सेंस कि आई टेल यू, समीर हमेशा देखते थे कि जो मेरे अंदर एक कश्मकश और स्ट्रगल है, हमारी हमेशा उस पर गुफ्तगू होती थी। एंड आई थिंक समीर को भी वक्त लगा इसको तस्लीम करने में कि शायद ये इसी के लिए बनी है, इसी की ये दिलचस्पी है, मैं इसको पीछे नहीं रोक सकता। तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी जो मुजाहमती सियासत है, अगर उसका असर तुम्हारे ससुराल के कारोबार पे पड़े तो तुम क्या करोगी, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? नहीं, पढ़ना नहीं चाहिए। देखें, उनका अभी तक पढ़ा है? नहीं, शुक्र है। अलग है, दोनों चीज़ें अलग हैं। मेरी सियासत और उनकी ज़िंदगी और उनकी बिजनेस, हम सब इस मुल्क का हिस्सा हैं। सब इदारे हमारे अपने इदारे हैं, ठीक है। हमने सबको मजबूत करना है, और मैं इसमें भी नहीं यकीन रखती कि कौन गद्दार है कौन नहीं। हम सब मुहिब्बे वतन हैं, हम सब का देखने का ज़ाविया मुख्तलिफ हो सकता है, मगर हम सब पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं। इसमें हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। बेहतर तो यही है कि ये जो तलखी हमारी सियासत में है, हम इसको कम करें, और वो तभी होगी जब आप लोगों के साथ इंसाफ करेंगे। खान साहब की सियासत तो मफाहमती सियासत है नहीं, क्योंकि उनका ही इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज, ही इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज एंड ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू स्टे पॉपुलर। और वो अपनी जो मकबूलियत है, महर, वो अपनी जो मकबूलियत है, अगर वो मफामती सियासत की तरफ जाएंगे तो उनकी मकबूलियत उसी तरह बरकरार रहेगी। बिल्कुल। आपने देखा इस वक्त लोगों की नज़र में इमरान खान कैन डू नो रॉन्ग। आपने पिछले 1.5 साल में इमरान खान पे कितना कीचड़ उछालने की कोशिश की, ऑडियोज़, वीडियोज़, तोशाखाना केस, घड़ी, इद्दत केस, शादी, पास्ट रिलेशनशिप्स, प्लेबॉय था, ये था, हर चीज़ कोशिश की। लोगों ने उसको भी सही कहा, कहा अगर ये भी करता है तो ठीक है। तो इस वक्त अगर खान साहब, ये कोई अजूबा नहीं है महर, भुट्टो साहब के साथ भी यही हुआ था, हाँ? बीबी शहीद के साथ भी यही हुआ था। जिसको लोग मानते हैं ना, फिर लोग नहीं देखते। एग्जैक्टली exactly. तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त इंसाफ होना, तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो इस वक्त पाकिस्तान के ज़ख्मों पे मरहम रख सकती है। तहरीक इंसाफ तुम कहती हो कि हमारे इस वक्त के ज़ख्मों के ऊपर मरहम देने की काबिल है। खान साहब की सियासत जो कि बाहर के ममालिक और बाहर के डोनर इंस्टीट्यूशंस, अगर उनके साथ इनकी ना बन पाई, जैसे कि नहीं बन पाई। एक सेकंड, क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के मफाद को तो सबसे पहले लगते हैं, तरजीह देते हैं। देखें, ये आप कहती हैं ना कि ये एक रियल पॉलिटिक भी कोई चीज़ होती है ना, कि जो ज़मीनी हकायक होते हैं उनको भी देख के चलना पड़ता है कि हम दुनिया में हैं, हम कोई आइलैंड तो नहीं है, हम जजीरा तो है नहीं। तो अगर आपने उन लोगों के जिनके आप मकरूज हैं या जिनके साथ आपके वाबस्तगियाँ हैं, पुराने आपके रिलेशनशिप्स हैं, उन सब के साथ आप बिगाड़ के आप कैसे कह सकती हैं कि पीटीआई जो है वो मरहम पट्टी करेगी? हम किसी के साथ नहीं बिगाड़ना चाहते थे, ना ही अभी भी बिगाड़ना चाहते हैं। खान साहब ने बहुत वाज़े मौक़िफ़ इस पे अपनाया है। वो आज भी, चाहे वो अमेरिका हो या हिंदुस्तान भी क्यों ना हो, जब खान साहब आए हकूमत में और वज़ीर आज़म बने, उन्होंने क्या पहला पैगाम दिया था? आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम दो कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। और हमने जब तक पुलवामा का वाक़या नहीं हुआ और जब तक ये कश्मीर का जो स्टेटस है उसको रिवर्स नहीं किया उन्होंने, तब तक हम हिंदुस्तान की तरफ भी हाथ बढ़ाते रहे दोस्ती का। नहीं, आई एम सॉरी, जब जनरल बाजवा जब जनरल बाजवा ने कहा कि ट्रेड ओपन करो, उनकी बहुत ख्वाहिश थी। नहीं, तब तक एक सेकंड, तब तक बहुत कश्मीर के साथ काफ़ी चीज़ें बिगड़ चुकी थी। बहुत ख्वाहिश थी। तो कश्मीर के साथ जो हुआ है ना, माफ़ करना, वो उसकी मजम्मत सबने की, लेकिन सब ने उसको हजम भी कर लिया। उसके बाद रियल पॉलिटिक्स, ओके। लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ तिजारत, उसके बाद देखिए मौक़िफ़ नहीं बनता था ना। उसके बाद आपने एक मौक़िफ़ अपनाया, देखें अगर जो उनके साथ हुआ वो बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आपने ये मौक़िफ़ अपनाया हुआ है इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, अगर आपके रियासती इदारे अगर वो इस चीज़ को हज़म करके और तिजारत करना चाहते थे हिंदुस्तान के साथ, तो खान साहब ने उस चीज़ के ऊपर कदगन क्यों लगाई? क्योंकि एक जमात जो है ना, वो लोगों को जवाबदेह होती है, अपनी इलेक्ट्रेट को, अपनी आवाम को। तो फिर या इलेक्ट्रेट को जवाबदेह हो जाए और या फिर इस मुल्क की मईशत का पहिया चला ले, चॉइस तो कर नहीं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आप और पहिया कहाँ चलता है? जब आप अपने लोगों के, आवाम की सोच के ख़िलाफ़ चलें तो तब मईशत का पहिया भी नहीं चलता। आप ट्रेड ओपन कर लें मगर लोग आगे लगा दें। अगर आप सरेआम खड़े होके एक कागज़ लहरा के कहें कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई, इस्तेहकाक है वज़ीर आज़म का। आपको ये इस्तेहकाक हासिल है कि आप लोगों को ये बताएं कि आपके मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। बस क्या ये गुनाह था कि उन्होंने बताया मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, या गुनाह ये था कि मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी? पहले तो इसका तायुन कर लें। तो साजिशें तो हमेशा होती हैं, तो लोगों को आवाम पर कोई नहीं लेके जाता। पहली दफ़ा एक वज़ीर आज़म आया, आवाम के पास लेके गया, आवाम ने कहा हम आपके साथ हैं। देयर आर नो फ्रेंड्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, देयर आर ओनली इंटरेस्ट्स, सिर्फ मफादात होते हैं। एंड व्हाट डिड भुट्टो साहब से जब वो न्यूक्लियर प्रोग्राम, उन्होंने क्या कहा था? हम घास खा लेंगे, मुल्क के मफाद पे हम समझौता नहीं करेंगे। लेकिन भुट्टो साहब तख्तादार पे चढ़ गए, लेकिन उन्होंने कोई ऑफिशियल सीक्रेट्स रिवील नहीं की। तो दिस वाज नॉट एन ऑफिशियल सीक्रेट। जस्टिस मंसूर अली शाह, बहुत ही सीनियर, टिप्ड नाउ टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके सवालात बहुत दिलचस्प थे। वो पूछते रहे कि जी मुझे बताइए कि इन पे सीक्रेट एक्ट किस तरह लागू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सीक्रेट निकाली नहीं गई, साइफर मुतासर ही नहीं हुआ। और आपको मालूम है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो सजाए मौत, हाँ, लेकिन जब उनको 10 साल की सजा हुई तो तुम कोर्ट में थी, तो कैसा? नहीं, मैं हल्के में थी तब, क्योंकि कैंपेन थी। देखिए, हमें तो रोज़ यही बताया जाता था कि सूली पे टांग देंगे, सूली चढ़ा देंगे, फांसी दे देंगे, सजाए मौत। कोर्ट में बैठ के सुना, प्रोसिक्यूशन को इसके लिए बहस करते सुना, सुप्रीम कोर्ट पे तो प्रोसिक्यूशन की जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हें टूटते हुए भी देखा, जजेस के सवालात के आगे ही टूटते देखा, क्योंकि सजाए मौत सिर्फ तभी हो सकती है अगर आपने कोई ऐसी सीक्रेट बाहर की हो जिससे किसी दुश्मन मुल्क को फ़ायदा हुआ हो, और वो इस्टेब्लिश ही नहीं कर सके कि फ़ायदा हुआ किसको, दुश्मन मुल्क है कौन और फ़ायदा हुआ किसको। लेकिन जब सजाए मौत का तुम फ्रेज सुनती होगी तो दिल तो दहलता था। लोग कहते थे मगर तब थोड़ा डर भी लगता था क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो दी ना, बिल्कुल, तो कौन कहता है नहीं दे सकते थे, दे सकते थे। तो और मैं कहती थी जब आपका अपना खून है ना जिसको वो ये सज़ा देना चाह रहे हैं तो तब आप ये नहीं सोचते ये नहीं हो सकता, अब ये सोचते हैं कि अगर ये हो गया तो क्या होगा। तो डर भी लगता था, दुख भी होता था, गुस्सा भी आता था और हेल्पलेस भी फील करते थे। तो जब सज़ा सुनाई जाने वाली थी हमें पता था कि अगले एक दो दिन में होएगी, यही खदशा था। मतलब रात को तकिए में रो रो के सोती थी और सुबह कैंपेन पे निकलती थी मुस्कुराती हुई। जब सज़ा उन्होंने सुनाई और मैंने 10 साल पढ़े तो बिलीव इट और नॉट माई फर्स्ट रिएक्शन वाज रिलीफ। पहला रिएक्शन रिलीफ था कि ओह सज़ा, कम से कम सज़ाए मौत तो नहीं है। तुम्हारे वालिद का क्या दिन लगा ये कि ओ माय गॉड, मगर 10 साल। वालिद का क्या रिएक्शन था? मैं ये नहीं कह सकती कि वो अफसरदा थे क्योंकि अब ये काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी थी। जब हम साइफर केस के लिए जाते थे तो पहले दिन से खान साहब ने यही कहा था, ही सेड के देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। I can hear him saying that. मैं और मेरी वालदा जिनको वो भी बड़े अरसे से जानते थे, little more informal, तो और मेरी बहन गौहर, हम तीन थे। देखो ये जो कोर्ट है ना इसने तो हमें कन्विक्ट करना ही करना है, तो तुम लोगों ने घबराना नहीं है। हाँ, तुम लोगों ने घबराना नहीं है। हाँ. ये होएगा मगर ये खुद ही एक्सपोज होंगे, जब ये इस तरह करेंगे तो ये खुद ही एक्सपोज होंगे, इस बात पर गुफ्तगू होगी और सब सच्चाई सामने आएगी। तो यहाँ तो ही वॉज मेंटली प्रिपेयरिंग आस फॉर द लास्ट सो मेनी मंथ्स के सजाए मौत भी ये सुना सकते हैं, कुछ नहीं होएगा। एंड ही सेड हौसला रखो। नहीं, तीन लफ्ज, ही सेड इज्जत, रिस्क, मौत, तीनों अल्लाह के हाथ में है। तो फिर डर फिक्र किस बात का? तो फिर वही दिल दिमाग में बिठा ली बात